दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट्स की जॉब में अकाउंटेंट से टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन है जो वर्बली पूछता है और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आपको प्रैक्टिकल तरीके से यानी कि टैली सॉफ्टवेयर में वो बातें आपको करके दिखानी होती है लाइव में। तो दोस्तों जब कोई नया अकाउंटेंट पहली बार किसी इंस्टीट्यूट से टैली सॉफ्टवेयर को सीख के कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो जब वो टैली सॉफ्टवेयर सीख रहा होता है किसी इंस्टीट्यूट में तब वो एक बिल्कुल फ्रेश माइंड से सीख रहा होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था तब उसके माइंड में थोड़ा सा फ्रेशर भी होता है, अभी पता नहीं मुझसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल टैली सॉफ्टवेयर से ही 10 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कोई एडवांस लेवल की बातें नहीं करेंगे, ना कोई GST का मैटर रहेगा, ना कोई इनकम टैक्स का रहेगा, ना TDS या TCS कुछ भी नहीं रहेगा। केवल और केवल जो आपने टैली सॉफ्टवेयर सीखा है और जो फंक्शन आपने यूज किए हैं, जो फीचर यूज किए हैं, उन्हीं फीचर्स के बारे में आपसे 10 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इन सभी सिंपल क्वेश्चंस का जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चंस के जवाब भी आपको नहीं पता होता तो आपकी आगे कंपनी में जो जॉब की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपसे सिंपल क्वेश्चन जब पूछता है स्टार्टिंग में 5 से 7, अगर उनका जवाब आप नहीं दे पाते हो तो वो आगे के क्वेश्चन आपसे पूछता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने सिंपल क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए तो आगे एडवांस लेवल की बातें आपसे बहुत दूर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप टैली सॉफ्टवेयर के यूज़र हो या टैली सॉफ्टवेयर आप कहीं से सीख रहे हो या अभी आपकी कोई जॉब लगने वाली है तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प में मिलने वाली है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों सारी बातें आज आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब भी बताएंगे और आपसे प्रैक्टिकल किस तरीके से पूछा जाता है ये भी आज हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए टैली सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग RSNR के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए भी टैली सॉफ्टवेयर किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर को कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों आज के जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन से बारे में आपको कितना पता था आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओनली फॉर टैली सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों भी टैली सॉफ्टवेयर क्या है और इसका यूज कौन कर सकता है और इस टैली सॉफ्टवेयर की खासियत क्या होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा फ्रेशर में होते हो तो थोड़ा बहुत आप सोच समझ के इसका भी जवाब दे सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन क्या था हम रिपीट करते हैं भी टैली सॉफ्टवेयर क्या है, इसका यूज कौन कर सकता है और इस सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है या इसकी खासियत क्या है। तो दोस्तों आपको सिंपल सा जवाब देना है, आपको कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं बनानी, बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में आपका इसका जवाब देना है। तो दोस्तों टैली क्या है, इसका जवाब रहेगा भी टैली एक टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया हुआ एक एप्लीकेशन है जिसका यूज अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग पर्पज से किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो इसके छोटी कंपनी भी, छोटा दुकानदार भी, यानी कि बड़ी सी बड़ी कंपनियां भी इसको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है, तो विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें सब कुछ हमारा स्टॉक इन्वेंटरी है, लेजर्स है, हमारे जो टैक्सेशन है जैसे कोई GST है, इनकम टैक्स है, TDS रिपोर्ट है, TCS रिपोर्ट है, सब कुछ ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट करके तैयार रखता है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती, हमें केवल और केवल वाउचर एंट्री करने की जरूरत होती है। उसके बाद में जितना भी हमारा फाइनल डाटा होता है वो सब कुछ ऑटोमेटिक तैयार करता है और टैक्सेशन की जितनी भी रिपोर्टें होती हैं वो भी हमें ये टैली सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक तैयार करके देता है। तो दोस्तों ये होती है इसकी खासियत। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे प्रैक्टिकली ये पूछा जाएगा। अभी टैली में कंपनी क्रिएट करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि किन किन बातों का आपको पता होना चाहिए जब हम टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तब। तो दोस्तों अगर आपसे ये बोला जाए भी आप सिस्टम पे बैठिए और आप हमें कंपनी क्रिएट करके बताइए तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर यूजर की, क्योंकि दोस्तों अब ये टैली प्राइम ही रहेगा इन फ्यूचर के लिए। आप टैली .erp9 यूज कर रहे हो तो
बातें जो बिल्कुल सेम रहेंगी, दोनों बातें दोनों सॉफ्टवेयर में लागू रहेंगी, लेकिन आपको जो फीचर्स है वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड ही पूछे जाएंगे इन फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भी टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम पता होना चाहिए भी कंपनी हम क्रिएट कहाँ से करते हैं, हम कंपनी पर जाते हैं और उसके बाद में हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे, हम क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आपको ये ध्यान में रखनी है भी जो आपकी कंपनी का जो डेटा पाथ है इसका विशेष ध्यान रखना है, इसका यानी कि जो आपका डाटा सेव रहेगा जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो उसका जो रिकॉर्ड है वो सी ड्राइव में नहीं होना चाहिए। अब सी ड्राइव के अलावा आपके सिस्टम के अंदर डी ई एफ जो भी ड्राइव आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर आपका डाटा का पाथ है जो सेट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सी ड्राइव हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम विंडो बोल देते हैं वो सी ड्राइव में होती है, और कल को किसी कारणवश अगर हमारी सी ड्राइव क्रैश हो जाती है, विंडो क्रैश हो जाती है तो हमें वापस रीसेट करना पड़ता है। तो इसमें आपका जो डाटा है वो सारा का सारा लैप्स होने के 100% चांस रहते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है भी जब भी हम रियल कंपनी में बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो आपको सी ड्राइव में डाटा कभी भी नहीं रखना है, किसी भी सॉफ्टवेयर का नहीं रखना है, और कोई भी टाइप की जो इंपॉर्टेंट आपकी फाइलें होती हैं चाहे एमएस वर्ड की हो या एक्सेल की हो उसको भी सी ड्राइव में या फिर डेस्कटॉप पर नहीं रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये मेरे पास खाली ओनली फॉर एक एजुकेशन पर्पज से ये कंपनी क्रिएट हो रही है तो इसलिए यहाँ पे सी ड्राइव आ रहा है, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड बात, जब आप कंपनी नेम के अंदर जो कंपनी का नाम लिखोगे तो आपको कंपनी के नेम में वही नाम लिखना है जिस कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उसका सबसे पहले आप एक ऑथेंटिक प्रूफ लोगे भी आपकी कंपनी का नाम क्या है प्रॉपरली, जिस नाम से आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर है या फिर आपने टेन नंबर ले रखा है, जो आपके पास टिन नंबर था, जो भी आपके पास गवर्नमेंट का कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड हो उसको अपने पास में रखिए और उस पर जो नाम लिखा हुआ है वही आपको इस कंपनी के नेम में लिखना है। अब जैसे कि आपने इसका कहीं शॉर्ट लिख दिया, जैसे आपके फर्म कंपनी का नाम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है और खाली आपने स्मार्ट ट्रेडिंग लिख के छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात आती है 3 नंबर पॉइंट की, उसके एड्रेस की। तो दोस्तों एड्रेस भी आपको वही लिखना है जो आपके पास ऑथेंटिक रिकॉर्ड आपके सामने जिसको देख के आप कंपनी का नेम टाइप किया है तो उसके ऊपर एड्रेस भी जरूर लिखा होगा। तो प्रॉपरली आपको शॉप का नंबर है, फ्लैट का नंबर है, या आपके पास उसके जो भी नियर बाई लैंडमार्क है तो उसका प्रॉपरली सारा एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस एड्रेस में। क्योंकि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट पे टैली सीख रहे होते हो तब आप इनको स्किप भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उससे बारी आती है स्टेट की। तो आपको स्टेट का जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही करना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो यानी कि कौन से स्टेट में आप कंपनी है जो क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद में कंट्री है वो आपका इंडिया रहेगा ही। उसके बाद में वहाँ पर इसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन है जो फिलअप करनी होती है जितना हो सके पॉसिबल, यानी कि आपको पिन कोड जो पोस्टल कोड होता है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है, इन सबको आपको प्रॉपरली टाइप करना होता है जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। क्योंकि दोस्तों इनको इसलिए करना पड़ता है जब हम जो भी रिपोर्ट हम प्रिंट करते हैं तो उन सभी पे ये सारा डाटा है जो प्रिंट होके आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है इसका फाइनेंशियल ईयर भी, आपको कौन सा फाइनेंशियल ईयर के वर्किंग के लिए बोला जा रहा है, या जो आपके पास कोई बिल बुक वगैरह है या कोई इनवॉइस आपके पास है तो आप उसके देख के भी अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप अपनी कंपनी पे सिक्योरिटी जरूर लगाइए यानी कि पासवर्ड आप जरूर यूज करोगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में ये जो बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन आपको दिखेंगे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इनकी फीचर्स के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी जरूरी है। दोस्तों अगर आप बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हो इन सभी 8 फीचर्स के बारे में तो आप हमारा हमने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन के नाम पे, उस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि उस वीडियो में हमने केवल इन्हीं 8 फीचर्स के बारे में ही बात करी है और सभी के बारे में हमने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पर भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखना अगर आप एक टेली के नए यूजर हो तो। तो दोस्तों ये हमें टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते वक्त जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए यानी कि इसका पाथ है, कंपनी का नेम सही तरीके से हो और इसकी जो पोस्टल एड्रेस वगैरह जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सही तरीके से फिलअप करनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे हम पूछें भी टेली की जो सॉफ्टवेयर की जो होम पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेली होम पेज। तो दोस्तों टेली होम पेज का मतलब होता है भी जब भी हम कंपनी को सेलेक्ट करके
एंटर प्रेस करते हैं और कंपनी फर्स्ट टाइम पे जो हमारा पेज ओपन होता है तो ये पेज हमारे सामने ओपन होता है। तो जो इसे हम फर्स्ट स्क्रीन भी बोल सकते हैं या टेली सॉफ्टवेयर का होम पेज भी बोल सकते हैं। तो इस पेज को दोस्तों बोला जाता है गेटवे ऑफ टेली। तो ये एक सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, हालांकि आपको इन सभी के बारे में पता होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत वो मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सोच समझ के इसका जवाब देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम टेली प्राइम के होम पेज पर हैं, अगर हमें यहाँ से अगर कोई GST की रिपोर्ट देखने के लिए बोला जाए तो आप कौन से फीचर का यूज करोगे? जैसे कि आप इंटरव्यूअर है, आप सिस्टम पे बैठे हो, तो आपने जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है उसने बोला भी आप यहीं पे रहना है, गेटवे टेली की स्क्रीन पे ही आपको रहना है और आपको यहीं से डायरेक्टली GST की रिपोर्ट पे जाना है। तो दोस्तों कैसे जाएंगे? तो इसका आपको फीचर का पता होना चाहिए। टेली प्राइम में जो यहाँ पर एक ऑप्शन जो दिया हुआ है गो टू का, तो हम गो टू पे जाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ से आप देख रहे हो GST रिपोर्ट, तो हम यहीं से GST रिपोर्ट में जा सकते हैं। दोस्तों ये GST रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ग्रुप रिपोर्ट पूछी जा सकती है, वाउचर रिपोर्ट्स पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए भी इस गो टू फीचर्स के अंदर सारी रिपोर्टें आपको यही मिल जाएगी। अगर आपको GST रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो आप GST रिपोर्ट पर क्लिक करके और डायरेक्टली अपने GST पोर्टल के जो आपकी रिटर्न होती है GST R1, 2, 3 उन सभी पे आ जाओगे। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में फीचर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 206, अगर पूछा जाए भी टेली में इन्वेंट्री मेंटेन करने का क्या मतलब होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है भी हमें इन्वेंट्री मेंटेन करवानी है, तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सिंपल भाषा में बात करें, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? आप गेटवे टेली पे हो, क्रिएट पे जाओगे, तो जैसे आप क्रिएट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर मिलेगा। दोस्तों इन्वेंट्री मास्टर का होगा भी आपको प्रॉपरली हर एक एक स्टॉक आइटम जो आप सेल परचेज करते हो उसका हर एक स्टॉक आइटम का आपका स्टॉक आइटम वाइज उसकी यूनिट वाइज आपको हिसाब किताब मेंटेन करना, ये इसको इन्वेंट्री मेंटेन करना बोलते हैं। जैसे भी कोई भी चीज़ है, आपने कितनी केजी खरीदी है, कितना केजी आपने सेल कर दिया, कितना केजी स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, तो उसके प्रॉपरली यूनिट सही होनी चाहिए, स्टॉक आइटम सही होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं हर आइटम का मेंटेन करना इन्वेंट्री मेंटेन में आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी, कंपनी का GST नंबर कहाँ लिखा जाता है? अब कंपनी का GST का नंबर दोस्तों, अब जैसे हमारे पास ये कंपनी ओपन है स्मार्ट एंटरप्राइजेस, अब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारे पास GST नंबर भी है, तो हम स्मार्ट एंटरप्राइजेस का जो GST नंबर है वो हम कहाँ लिखेंगे? टेली सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको पता होना चाहिए भी जब भी हम टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें GST नंबर अगर हमें देना हो तो इसका सारा प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन आपके पास, आप कंपनी पे जाओगे और उसके बाद में आप इस फीचर्स पे जाओगे या शॉर्टकट आप F11 भी बटन प्रेस कर सकते हो। जैसे कि हम इस फीचर पे जाएंगे या F11 प्रेस कर लो और उसके बाद में आपके सामने ये विंडो आएगी और इस विंडो में आपके पास ये टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिलेंगे और इस टैक्सेशन में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा GST के बारे में, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST। तो इस फीचर्स को अगर आपके पास नो है तो आपको इसको यस करोगे, जैसे आप यस करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन और होगी और जो विंडो ओपन होगी तो आपका जो कंपनी का जो GST नंबर है तो इसके अंदर आपसे यहाँ पूछा जाएगा GST UIN नंबर, तो ये जो GST नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए भी GST नंबर कहाँ लिखा जाता है कंपनी का। तो इस तरीके से हम आपको जो टेली सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं, हम इसी फीचर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं दोस्तों, कोई एडवांस लेवल की हम बातें नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके बारे में हम एडवांस लेवल की बातें भी जो क्वेश्चन है उनके भी तैयार करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है भी, टेली में स्टॉक जो डिटेल होती है उसको फुल डिटेल के साथ देखने का प्रोसेस क्या है? दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, अभी क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा है भी, टेली सॉफ्टवेयर में जो आपने स्टॉक मेंटेन किया हुआ है उस स्टॉक को आपको पूरा प्रोसेस यानी कि फुल डिटेल के साथ ओपन करना है। अगर आपके सामने इस तरीके का परफॉर्मा दे दिया भी, जो स्टॉक आइटम है उसका आपको ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना पड़ा हुआ है, उसके बाद आपने परचेज कितना किया है, सेल कितना किया है और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना है, तो इस टाइप की अगर डिटेल आपको ओपन करने को बोला जाए तो आप क्या प्रोसेस यूज करोगे? तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले टेली के होम पेज यानी कि गेटवे टेली पर आएंगे, उसके बाद में आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टॉक समरी का, तो हम स्टॉक समरी पर आएंगे। तो दोस्तों जैसे आप स्टॉक समरी पर आओगे तो यहाँ पर आपको केवल क्लोजिंग बैलेंस देखने को मिलेगा यानी कि जितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है।
लेकिन आपसे पूछा जा रहा है फुल डिटेल के साथ। तो फुल डिटेल के देखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से एल्ट एफ वन बटन प्रेस करेंगे तो ये तो स्टॉक आइटम है वो सारी शो हो जाएगी। और अब हमें यहाँ पर करना है एफ बारह प्रेस। जैसे हम एफ बारह प्रेस करेंगे तो ये कॉन्फिगर आपको यहाँ से करनी पड़ती है, यानी कि शो क्वांटिटी आपको यस करना पड़ेगा, शो अल्टरनेट यूनिट है वो भी आपको यस करनी पड़ेगी, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस को यस करोगे, इनवर्ड को यस करेंगे और आउटवर्ड को भी यस करेंगे। इन सभी को हम यस करके देखते हैं। और जैसे हम इनको सभी को यस करेंगे, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो ये इस तरीके की जो डिटेल है वो यहाँ पर फुल डिटेल के साथ ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस भी शो रहा है, इनवर्ड यानी कि परचेज भी आपको यहाँ पर दिख रही है, शो आउटवर्ड यानी कि कितना सेल आपने किया है, सेल के डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलेगी, और इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक की भी डिटेल देखने को मिलेगी, यानी कि इतना क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं भी स्टॉक आइटम की फुल डिटेल के साथ रिपोर्ट प्रेजेंट करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भी अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर हम टेली सॉफ्टवेयर में वाउचर पे जाते हैं, तो अब इसको बोलते हैं भी अकाउंटिंग वाउचर होते क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको पता होना चाहिए भी जब हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो उस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो ऑथेंटिक रिपोर्टें हमारे पास होती है, जो कागज हमारे पास होते हैं, पेपर हमारे पास होते हैं, जिसको देख के हम सॉफ्टवेयर में एंट्रियां करते हैं, वो हमारे अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। जैसा कि हमने कोई गुड्स परचेज किया, हमारे पास परचेज इनवॉइस आ गया, और जो इनवॉइस हमारे पास है, जो कागज हमारे पास है, वही एक तरीके का अकाउंटिंग वाउचर होता है। या हमने हमारे कस्टमर को सेल इनवॉइस इशू किया है, जो सेल इनवॉइस हमने इशू किया वो भी एक अकाउंटिंग वाउचर है। या हमने किसी सप्लायर्स को पेमेंट करी है, उसके अगेंस्ट में जो हमें रिसिप्ट मिली है वो भी हमारे लिए एक अकाउंटिंग वाउचर है। यानी कि जो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो ऑथेंटिक कागज होता है वो एक अकाउंटिंग वाउचर कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इसका। आगे भी टेली फाइनल अकाउंट रिपोर्ट में क्या क्या कवर होते हैं, यानी कि हम जब फाइनल डाटा तैयार करते हैं टेली में से, तो उस फाइनल डाटा में कौन कौन से जो मतलब रिपोर्टें होती है वो कवर होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भी सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए भी टेली में फाइनल अकाउंट्स की रिपोर्ट है जो कहाँ से देखी जाती है। तो दोस्तों जब भी बात आए रिपोर्ट देखने की तो आपको गो टू पे जाना होगा। जैसे आप गो टू पे जाओगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की रिपोर्टें सारी मिल जाएगी, तो उसके अंदर आपको डिटेल एक मिल जाएगी फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट की। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी फाइनल अकाउंट्स हम बोलते हैं किसको हैं। अब इसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी कवर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कवर होता है, बैलेंस शीट भी कवर होती है, ट्रायल बैलेंस भी हमारा कवर होता है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए भी फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से पार्ट है जो कवर होते हैं। अगर आप इस पे इंटरप्रेस करोगे तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगी। आप इसको आप शो मोर पे भी क्लिक करोगे तो ये सारा डिटेल्स है, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रेशियो एनालिसिस है, ट्रायल बैलेंस है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, ये सारा का सारा जो डेटा होता है वो बुक्स की फाइनल अकाउंट्स में कवर होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सिंपल 10 क्वेश्चन। दोस्तों इन 10 क्वेश्चंस के बारे में कितनी जानकारियां आपको पहले से थी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ अभी कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो और भी आगे लाते रहेंगे।